सो गाइस कैसे हो आप लोग, तो यार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीके नियम। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेक स्पॉन्सर से कैसे बचे। तो यार वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा खास होने वाली है। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो इस वीडियो को आपको जरूर से देखना चाहिए। तो यार आप बोलोगे कि भाई आज इतने दिनों बाद आपको स्पॉन्सर्स के बारे में कैसे सूझ गया, तो यार यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अब आपके भाई का जो चैनल है वो 10,000 कंप्लीट हो चुका है। 10,000 मेंबर हमारे फैमिली के साथ जुड़ चुके हैं और ये सब आपकी प्रभुता है, आप सबकी मेहरबानी है कि आपके भाई के साथ 10,000 आदमी जुड़ चुके हैं। तो कल रात को मेरे पास एक मैसेज आया, एक ईमेल आया, उसमें कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि भैया एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट है एप्पल का वॉच है, उसको आपको रिव्यू करना है, हम आपको अच्छा खासा पैसा पे करेंगे और वगैरह वगैरह बढ़ाई बढ़ाई करके कि कोलैबोरेशन मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर अगड़म बगड़म बोल बाल के तुम्हारे भाई से बातचीत की। तो यार जैसे ही मैंने उस मैसेज को देखा तो वहाँ पे मैं समझ गया कि भैया ये फेक स्पॉन्सरशिप वाले हैं और ये हमारे चैनल की ऐसी की तैसी करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आप दिन रात मेहनत करके जब अपना चैनल यहाँ तक खड़े कर लेते हो तो आपको सचमुच के स्पॉन्सरशिप मिलती है। और अच्छी बात होती है कि भैया स्पॉन्सरशिप मिलती है, हमारी ऊपर ही रिन्यू हो जाती है, अच्छा खासा पैसा हमें ऊपर से भी मिलने लगता है, तो खुशी तो होती है। लेकिन कुछ लोग इसी खुशी के चक्कर में उनकी ऐसी की तैसी लग जाती है और उनके पूरा का पूरा उनका जो मेहनत होता है वो खराब हो जाता है। तो यार आज की ये वीडियो इसी के लिए मैं बना रहा हूँ कि जो नए यूट्यूबर हैं उनकी ऐसी की तैसी ना हो, वो दिन रात मेहनत करके अपने चैनल को खड़ा करते हैं और बाद में कोई दूसरा उसे लूट कर लेके चला जाता है, हैक करके लेके चला जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारे भाई के पास एक मैसेज आया जिसमें लोगों ने बोला कि भैया आपका चैनल अच्छा खासा है, अब हम आपको अप्रोच करना चाहते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, अगर आप इस चीज़ यही वगैरह वगैरह डिटेल था जो जिस चीज़ का करना था, साइड में आप देख सकते हो, इस साइड में दिख जाएगा आपको, तो आपको इसी चीज़ का रिव्यू करना है, हमको अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने तुरंत जान लिया कि भैया ये फेक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भैया आपको फेक स्पॉन्सरशिप के लिए मैसेज कैसे आते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपके पास फेक स्पॉन्सरशिप के लिए ईमेल या फिर मैसेज आएगा तो आप जब ईमेल को चेक करोगे तो उनका साइड में जो ईमेल रहता है वो ईमेल नहीं रहता, वहाँ पे कुछ दूसरा कुछ लिखा रहता है, कंपनी का नाम लिखा रहता है। ईमेल से आपको कभी भी मैसेज स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़, आप दूसरी चीज़ों से कैसे पकड़ोगे, यहाँ पे आपके पास जो मैसेज आएंगे वो अदर कंट्री से भी आएंगे, ज़्यादातर अदर कंट्री से आते हैं जब आपका एक छोटा सा चैनल होता है, और अपने इंडिया में से भी आते हैं लेकिन कम आते हैं, लेकिन अदर कंट्री से आपके ज़्यादा आते हैं। सो गाइस अब तीसरी चीज़ से आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है वो फेक है या फिर रियल है? तो भैया जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है जब उसका ईमेल आपके पास आएगा तो उसके लिखने का तरीका एक नंबर का होगा, वो गंदे तरीके से नहीं लिखते, उनका लिखने का नज़रिया जो है वो आपको बता देता है कि अच्छे तरीके से वो कैटेगरी वाइज लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा उनके मैसेज देखने के ढंग से। इन तीन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और लास्ट वाली चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया कौन सा फेक स्पॉन्सर है और कौन सा फेक स्पॉन्सर नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपको स्पॉन्सर करेगा तो वो आपको बोलेगा कि भैया हमारा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, आप कर सको तो कर लो, तो आपको वहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि भैया अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट करें या फिर हमारे इस लिंक पे क्लिक करें। तो वहाँ पे मुझसे पूछा गया कि भैया ऐसा ऐसा आपका चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, हम आपको इस प्रोडक्ट का जो है वो रिव्यू करने के लिए बोल रहे हैं, और आप क्या करिए, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप कॉन्टैक्ट हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो यार आपको ये गलती भूल के भी नहीं करनी, अगर कोई बंदा आपसे या फिर कोई कंपनी आपसे बोले कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो तो वो चीज़ आपको कभी भी नहीं देनी है, उनसे ये बोल देना है कि भैया आपको बात करनी है तो ईमेल से कर लो, हमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि भैया अगर कोई बंदा आपसे सारी चीज़ें बात हो जाती है और वो बोलता है कि हमारे इस लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले हमारी चीज़ों को देख लीजिए, उसके बाद हमारे वीडियोस को बना दीजिए, तो आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी है, आपको किसी भी लिंक पे बिना पूछे जांचे कभी भी क्लिक नहीं करना है। अगर क्लिक करते हो तो भैया आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, आपकी आपकी जितनी भी मेहनत आपके चैनल पे आपने की है सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी। तो आपको कभी भी किसी भी लिंक पे नहीं क्लिक करना है, आपको अनदर यूट्यूबर से बात कर लेनी है, पूछ लेना है, जांच पड़ताल कर लेनी है, उसके बाद लिंक पर तो कभी क्लिक मत करना, सारी चीज़ें देख लेना, उसके बाद वीडियो बनाना। और एक एडवाइस लास्ट में देते जा रहा हूँ मैं, लास्ट में अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप देता है तो आप उससे पहले पेमेंट हाफ पेमेंट ले लीजिए और हाफ पेमेंट वीडियो पोस्ट करने के पब्लिक करने के बाद ले लीजिएगा। ऐसा होता है कि कुछ कंपनी वीडियोस बनवा लेती हैं और सारा मेहनत होता है यार, एडिटिंग करना पड़ता है, वीडियो शूट करना पड़ता है, उसके बाद काफ़ी सारा हार्डवर्क करने के बाद हमें कुछ पैसा मिलता है। तो बस यार वीडियो को समाप्त करता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो यार आपको कुछ इस तरीके से इस ढंग से पता चल जाएगा कि फेक स्पॉन्सरशिप कौन दे रहा है और रियल स्पॉन्सरशिप कौन है, कौन देगा आपको, तो कुछ इस तरीके से आपको पता कर लेना है। और पैसों की लालच में कभी मत आना, क्योंकि ये लोग जो होते हैं हैकर लोग, ये
वन सब्सक्राइबर से 50,000 सब्सक्राइबर के बीच वाले यूट्यूबर्स को उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो वो भैया उनको पैसे का लालच देके उनके साथ कांड कर देते हैं। तो आपको पैसों के लालच में कभी नहीं आना है, अच्छी तरीके से जांच कर लेना है, पड़ताल कर लेना है, अनदर यूट्यूबर से बात कर लेना है, इंस्टाग्राम पे जाके बात कर लेना है, पूछताछ कर लेना है, रिव्यू देख लेना है कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसके बारे में किसी अनदर यूट्यूबर ने आप बताया है या फिर रिव्यू किया है उस चीज़ का कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी उस इन सारी चीज़ों से कि कौन फेक स्पॉन्सर दे रहा है आपको, कौन रियल स्पॉन्सर दे रहा है। तो बस यार वीडियो को समाप्त करता हूँ, वीडियो आपको लगी कैसे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट की हो, इस भाई का पहली बार थोड़ा देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका भाई डेली ऐसे फाड़ो और तोड़ वीडियो लेकर आपके लिए आता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।